चैनल ड्रीम विशुमाना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज स्पेशली कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, डेली ब्लॉग स्पेशली नहीं लेकर आई हूँ। आज जो मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको, मेरी मम्मी की जो किचन है उनको थोड़ा सा अदल बदल करना है, देखती हूँ क्या करना है। अभी तक तो थोड़ा बहुत सोचा है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो इसलिए करते करते सोच लूँगी क्या करना है। लेकिन वही वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ कि मेरी मम्मी का जो किचन है वो तो आपने देखा होगा कैसा है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। और कल मैंने बताया था क्या क्या सामान लेकर आए हैं पापा और क्या नहीं, तो वही से उसी से ही थोड़ा सा इधर उधर करके मैं चेंज करूँगी उसको। और मैंने सोचा ये वाला ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे बहुत लोगों ने कॉमेंट्स किया था कि पक्का दीदी ये मम्मी का जो किचन आप चेंज करोगे तो उसका वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने सोचा चलिए सुबह से अभी मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं वीडियो और शुरू करते हैं अभी का काम। और भाई ऑफिस चला गया है ऑलरेडी, ब्रेकफास्ट बन चुका है और अभी किचन फ्री है, तो अभी मैं कर सकती हूँ। और आज है थर्सडे, मम्मी का थर्सडे का पूजा भी है और बहुत देर तक मम्मी पूजा करती है, तो उसमें मम्मी बिजी रहेगी, तो मैं तब तक मैं कर लूँगी किचन। और उतना बड़ा तो नहीं है, झंझट नहीं है। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आशा करूँगी ये वीडियो भी दूसरे वीडियो की तरह आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन का जितने भी सामान था वो मैंने नीचे और ये जो स्टूल है ना उसके ऊपर रख दिया है। और अकेले ये जो मैट है ना ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे से, तो इसलिए मैंने पापा को थोड़ा बुला लिया है। और पापा अभी चले जाएंगे लेकिन मेरे कहने के लिए थोड़ा सा रुक गए हैं, क्योंकि मम्मी तो अभी पूजा के लिए तैयारी कर रही है, तो मम्मी को बुलाना ठीक नहीं होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पापा को पकड़ने के लिए बोल देते हैं। और मॉर्निंग पे ये काम हो जाएगा ना, उसके बाद किचन पूरा फ्री हो जाएगा, मम्मी खाना भी बना सकती है। और इतना गर्मी है और यहाँ पर कोई फ़ैन नहीं है ना, जो ये टेबल फ़ैन है ना यही हम लोग खाने के टाइम ना यूज़ करते हैं। और पापा अभी बोल रहे थे कि पूरा इसको लगाने के लिए, मतलब ये जो स्विच बोर्ड है ना इस तरफ से पूरा ये मैट लगाने के लिए, तो मैं एक बार लगा तो दी हूँ लेकिन उसको खोल के फिर से मैंने इसको सेट किया और थोड़ा सा बड़ा करके ये कागज़ जो है उसको काट के फिर लगा दिया है। तो ये जो मैट है ना ये इसका जो प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसका मतलब फिनिशिंग जो है ना बिल्कुल टाइल्स जैसा दिख रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा एकदम नेचुरल टाइल्स जैसा लग रहा है। तो अभी जो नीचे का क्लिप है वो लगा लूँगी और उसके बाद जो गैस स्टोव जिसके ऊपर रहता है ना, ओवन जिसके ऊपर रहता है, वो जो एक मतलब मम्मी ने रखा है एक टेबल की तरह है वो, लेकिन उसको भी मुझे पूरा कवर करना है। Thank you.
हमें ये जो शीट है ना, ये इतना सा ही मिला था दुकान में, मतलब बहुत दुकान घूम के फिर एक दुकान में लास्ट मुझे ये वाला शीट मिला था। और दिल्ली में तो मतलब बहुत ये अवेलेबल है, मतलब हर जगह ही होगा मे बी, लेकिन हमारे उधर तो मतलब दिल्ली में बहुत, मैंने कोई भी मार्केट में आप चले जाए, कोई भी दुकान में चले जाए, ये वाला शीट तो अवेलेबल हो जाता है। मतलब इसका डिज़ाइन अलग होगा बट इस टाइप में शीट आपको अवेलेबल होगा, लेकिन इस तरफ मुझे मिला नहीं है। तो ये वाला इतना सा ही होगा और थोड़ा सा होगा वो बेसिन के साइड में मैं लगा दूंगी, क्योंकि उधर हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं ना, थोड़ा सा निशान पड़ गया है तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं पूरा उसको कवर कर लूँगी। तो ये मेरा टेबल भी अभी कवर हो चुका है, और इसको होने के बाद ये जो सारा सामान है इसको मैं साइड में या नीचे रख के उसके बाद जो रैक है उसको सही करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं। थाली वगैरह तो सेट हो गया है, प्लेट भी सेट हो गया है, और अभी मैं कटोरी जो है ना उसको एडजस्ट कर रही हूँ, और दो तीन बार ना गिर भी चुका है कटोरी। यहाँ से रखने के टाइम ना जो साइड वाला जो पोर्शन है ना, जो वन रॉड दिया हुआ है ना, उसमें स्लिप होके नीचे गिर रहा था, तो मैंने बड़ा वाला फिर जो कटोरी है उसको साइड में रख के अब थोड़ा सा सही लग रहा है। और मेरी मम्मी के पास बर्तनों की कमी नहीं है, बहुत सारे बर्तन हैं मेरी मम्मी के पास, लेकिन जो डिब्बे वगैरह है ना वो बहुत कम है। मतलब पापा जितने डिब्बे लेकर आए थे ना उसमें सारा कुछ हो गया था, मम्मी ने मतलब, और मैंने तो सोचा था पापा कम लेकर आए होंगे, पापा को बोल भी रही थी मैं कि आपने कम लेकर आए हो, लेकिन उसी डिब्बे में सारा कुछ आ गया है। तो अभी मैं डिब्बे वगैरह सारा कुछ एडजस्ट कर लूँगी। इसमें सामान तो मैंने कल रात को ही भर के रख दिया था, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी थोड़ा सा इसको सही से एडजस्ट कर लूँगी। सारा काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और लास्ट काम जो बचा हुआ है वो है लाइट को साफ़ करना, और है ये जो सिलेंडर है ना इसको मैं एक कवर मतलब ये एक पुराना सा एक टेबल का कवर है तो उसको ही मैं लगा दिया है मैंने यहाँ पर। तो ये हो गया अभी तक तो पूरा रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं फ्रेश होके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है हमारा किचन। Thank you.
तो आज का ये वीडियो इतना जोर से लगा ना, तो किचन का सेटअप मैंने चेंज किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और बहुत मेहनत किया है, ठीक है। मैंने एक तो आपको पता है मेरा पैर में, मैं खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर तक, लेकिन फिर भी इतना देर तक खड़े होके उसके बाद सब सेटअप करना मामूली बात नहीं है। छोटा है पता है मुझे, बट फिर भी टाइम तो लगता है ना। तो जो भी हो, आज का ये वीडियो और मेरी मम्मी का ये किचन का सेटअप कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा। और आप जितना कॉमेंट्स करते हैं ना, उतने उसमें मुझे हिम्मत मिलती है और काम अच्छा करने में मतलब लगता है कि और कैसे अच्छा हो सकता है। तो अभी मेरे पापा बताएंगे कि कैसा लगा उनको ये सेटअप, ठीक है। सुबह से लेकर इतना परिश्रम किया मैंने, तो कैसा लगा ये पापा बताएंगे। पापा बंगाली में बताएंगे, हिंदी पापा को आते ही हैं, लेकिन वही थोड़ा बहुत चर्चा नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो मैंने बोला है पापा को बंगाली में बोलने के लिए, क्योंकि मन की जो भाषा होता है उसमें कोई शब्द की ज़रूरत नहीं होती है ना, फीलिंग्स जो होती है। और भी अच्छा लग रहा है, छोटो जगह आज छोटो जगह अति सुंदर फर्स्ट क्लास लागे सुंदर। लिए आज का जो ये वीडियो है, ये पापा के जो कमेंट्स है इससे ही समाप्त करते हैं। तो कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और आप बताना ना भूलिए कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ओके, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।